अब फरमाया क्या, मन तशब्बह बिकौम मिन फहुआ मिनहु, और जो जिस कौम के साथ मुशाबत रखता है वो उन्हीं में से होता है। सबसे पहले यार के कुछ औसाफ में से कोई एक रंग अपने ऊपर चढ़ाना तो सीखे, फिर मुशाहबत आएगी। हजूर शेखुल इस्लाम से मोहब्बत की, अपने शेख से मोहब्बत की, उन्होंने अपने शेख से मोहब्बत की तो शेख की टोपी जैसी टोपी पहन ली, किसी ने शेख के कुर्ते जैसा कुर्ता सिलवा लिया, किसी ने शेख की चाल अपना ली, किसी ने शेख की ढाल अपना ली, किसी ने शेख की गुफ्तार अपना ली, किसी ने शेख का अखलाक अपना लिया, किसी ने शेख के बातचीत का अंदाज अपना लिया, किसी ने शेख के इल्म में से कोई रंग ले लिया, किसी ने शेख की आदत में से कोई आदत का लिबास अपना जेब-ए-तन कर लिया। भाई जो कुछ भी तुम्हें पसंद आ गए बस उसकी मुशाहबत पैदा कर लो। हदीस शरीफ में आता है अगर रोना ना आए तो रोने जैसा चेहरा ज़रूर बना लिया कर, अगर मुशाहबत पूरी ना मिले तो उसकी कोशिश ज़रूर कर लिया करो। फरमाया जो जिससे मुशाहबत देता है वो उसी में से होता है, भाई इतना ज़रूर पैदा कर लो कि जो शेख पसंद आ गए उनके अखलाक ही अपने अखलाक बना, उनकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा जो तुम्हें पसंद आ जाए उसे अपना लो, फिर उसकी नकल किया करो। औलिया की नकल करने वाला, चलो फरिश्ते ये कहेंगे नकाल है, पूछो किसका नकाल है, मौला तेरे औलिया का नकाल है, तो मैं नकल करता है साथ ले जाओ। अब आगे फिर